टॉर्निडस थेरियन फॉर्म। तो गाइस 5-star रेट में आ चुका है टॉर्निडस पोकेमोन का थेरियन फॉर्म। तो गाइस अगर आपने गेट नहीं किया है तो जल्दी से गेट कर लो। अभी गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर जो अगर आपको थेरियन फॉर्म टॉर्निडस गेट करना है तो आप कैसे हाईएस्ट पीपी को गेट कर सकते हो एंड जो बूस्टेड पोकेमोन है उसको कैसे गेट कर सकते हो, शाइनी रेट कितना होने वाला है, प्लस यहां पर आपको टॉप एनकाउंटर भी लेके जाना है वो कौन सा पोकेमोन है। तो हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचर के एक नए वीडियो में। तो गाइस एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपको नहीं पता कि ये जो टॉर्निडस पोकेमोन है थेरियन फॉर्म ये कहां पर मतलब रेट चल रहा है तो आप फीड सेक्शन का यूज कर सकते हो। फीड सेक्शन में आपको टोटल लोकेशन मिल जाएगा। बट गाइस कोई भी लोकेशन चेंज करने से पहले ये चीज को ध्यान में रखना कि आपको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट गेम को बंद करना है, उसके बाद जाके आपको टेलीपोर्ट करना है, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं, ये जो टॉर्निडस पोकेमोन है थेरियन फॉर्म ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। तो गाइस अगर आप नॉर्मल रेट करते हो तो वहां पर कितना सीपी आपको मिलेगा, अभी सुनो, 1756 से 1837 तक, मतलब ये जो सीपी है इसके बीच में मिलेगा। अगर लोएस्ट मिला तो 1756 एंड हाईएस्ट मिला तो 1837, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत लोग करते हैं भाई वहां पर तो आपको 20 लेवल मिलेगा, बट मुझे एंड आपको तो चाहिए 25 लेवल एंड बूस्टेड सीपी, मतलब जिसका पावर भी बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बूस्टेड वेदर में। तो गाइस पहले मैं आपको बूस्टेड सीपी बताता हूं, उसके बाद बताता हूं बूस्टेड वेदर। तो बूस्टेड सीपी होने वाला है 2196 से 2296 सीपी तक, मतलब 2196 लोएस्ट एंड 2296 हाईएस्ट आपको मिलेगा। अभी इतना हाईएस्ट आपको कैसे मिलेगा जहां पर आपको लेवल 25 का भी मिलेगा, उसके लिए आपको जाना है वेदर बूस्टेड जो है विंडी वेदर, एंड विंडी वेदर बहुत ही कॉमन है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो वहां पर जाके अगर आप रेट करोगे तो आपको बिल्कुल 100% गारंटेड वेदर बूस्टेड मिलेगा, एंड जिसका शाइनी रेट होगा 20/1, अगर आप अच्छे से प्ले करोगे वहां पर आपको शाइनी भी मिलेगा। तो गाइस अभी आते हैं टॉप एनकाउंटर, क्योंकि गाइस अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आप तो रेट करने जाओगे आपको पता होना चाहिए ये पोकेमोन वो कौन सा टाइप है जिसके सामने वीक है। तो टाइप पहले सुन लो, उसके बाद में आपको पोकेमोन्स का नाम भी बता दूंगा। तो जो टाइप से इलेक्ट्रिक टाइप, आइस टाइप एंड रॉक टाइप, अगर आपके पास कोई भी पोकेमोन ये टाइप में है तो लेके जाओ, आप रेड को विन कर लोगे। बट गाइस एटलीस्ट जो जिम में 15 मेंबर्स है वहां पर जरूर जाना, ठीक, इससे आप आसानी से जीत सकते हो। बट गाइस अभी मैं आपको कुछ पोकेमोन्स भी सजेस्ट करता हूं, एंड गाइस पोकेमोन का नाम सुनने से पहले एक काम कर दो, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो में लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो गाइस जो पोकेमोन्स का नाम है उसमें जो फर्स्ट पोकेमोन है वो है सुकीट्री। भाई कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मिला है, मतलब इससे पहले जो रेड हो रहा था, तो ये पोकेमोन सबके पास होगा। उसके बाद देखो जेक्रम, जेक्रम दिसंबर मंथ में आया था, ये भी सबके पास होगा। उसके बाद क्या आता है वो है थंडरस। तो गाइस आप लोगों को पता होगा जापान में एक इवेंट हो रहा था जहां पर थंडरस मिल रहा था हमें, एंड बहुत सारे लोगों ने वहां से थंडरस को गेट किया, तो थंडरस को भी आप लेके जा सकते हो। उसके बाद देखो राइपेरियर, ये तो भाई जो मुझे लगता है सबके पास होगा, एंड बहुत लोग पूछते हैं भाई राइपेरियर कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। राइहॉर्न पोकेमोन है उसको बिल्कुल इवॉल्व करो, इवॉल्व करने के बाद जो लास्ट स्टेज है वो है राइपेरियर, तो राइपेरियर वहां पर मिल जाएगा। एंड लास्ट जो पोकेमोन है वो है जैपडॉस, एंड जैपडॉस भी बहुत लोगों के पास होगा, आप शैडो भी ले सकते हो नॉर्मल भी ले सकते हो। तो ये पोकेमोन्स को लेके जाओ, आपका रेट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, एंड गाइस कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल में सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।